हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपने पहले वाले व्लॉग में दोस्तों देख ली थी इस बाजरी को, तो और अभी एक व्लॉग और शूट करते हैं, क्योंकि पहले वाली जो देखी थी तब धान वगैरह कुछ नहीं लगा था। अब दोस्तों इसमें धान आना स्टार्ट हो ही चुका है। लगभग ये 15 या 20 दिन बाद पूरी बाजरी पक जाएगी, पूरी फसल पक जाएगी, और उसके बाद यहाँ से कटाई होगी इसकी। लगभग 60% तक धान लगने का प्रोसेस हो चुका है। छोटी छोटी क्लीफें ली है जो यहाँ पर फसल है, जैसे कि ग्वार का पौधा, मूंग का पौधा, अलग अलग सभी की मैंने छोटी छोटी क्लीफें ली है। बने रहिए ब्लॉग में, मैं पूरी वो क्लीफें भी आपको इसी ब्लॉग में दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा चलना आसान है क्योंकि यहाँ पर बाजरी है नहीं, पानी की वजह से सारी पानी में बह गई है। ये देखो पूरी ये नदी आ रही है छोटी सी, इस नदी में पूरी बह गई है। नहीं तो यहाँ पर भी थी, ऐसी कैसी थी यहाँ पर भी, अब नहीं है। कम से कम ये 16-17 फीट का ये एरिया पूरा ख़राब हो गया है। फसल की कुछ क्लिपें खेत के अंदर से ली गई है और कुछ क्लिपें मकान के ऊपर से ली गई है। आप बने रहिए ब्लॉक में और पूरा ब्लॉक देखिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और दोस्तों थोड़ा प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मैं मिलता हूँ दोस्तों किसी न्यू वीडियो में और न्यू लोकेशन पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।